नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुण जैन है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी फेमस डिजीज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो एज द नेम सजेस्ट, टेनिस प्लेयर्स में और रैकेट प्लेयर्स में होने वाली काफी कॉमन डिजीज है। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसमें एक्सटेंशन मूवमेंट ज्यादा होता है, लाइक पेंटर्स, कारपेंटर्स या बैट्समैन, उसमें ये डिजीज काफी कॉमन होती है। इंडिया में पर्टिकुलरली ये डिजीज ज्यादा फेमस है क्योंकि इंडियन वुमेन में काफी कॉमन होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट। एज द नेम सजेस्ट, इसमें रिस्ट का एक्सटेंशन मूवमेंट काफी पेनफुल होता है। इसके अलावा रिस्ट में सूजन आनी शुरू हो जाती है, हाथ में झंझनाहट आना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन आती है वो ये कि आप कोई भी चीज हाथ से पकड़ रहे हो तो गिरने लग जाती है। इस बीमारी का मेडिकल नाम होता है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। इस बीमारी के इलाज में मुख्यतः तीन बिंदु होते हैं जिनका मरीज को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है कि यदि आपको कोई पुरानी डिजीज है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, बाय, तो मेक श्योर कि ये डिजीज कंट्रोल में रहे। दूसरे पड़ाव पे आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट अमूमन इस तरह की बीमारी में रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज या ड्राई नीडलिंग या बहुत तरह की वेरियस मोडेलिटीज होती हैं जिससे पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तीसरे पड़ाव और बड़े अहम पड़ाव पे आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो इस बीमारी में पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं, टेंडन मैनेजमेंट का, टेंडन के पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं, डिजीज रिकवरी में हेल्प करते हैं, और यदि कोई नर्वस सिस्टम आ रहे होते हैं तो उनमें ट्रीटमेंट का काम करते हैं। रेस्ट हाथ को दिया जाना चाहिए, जो भी काम इस रिस्ट को एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है उन्हें रोका जाना चाहिए। इसके अलावा आइस पैक पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। मेडिसिन में एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, नस की कमजोरी यदि है तो उसे मैनेजमेंट के लिए, और टेंडन में वीकनेस है तो टेंडिनोपैथीज की मेडिसिन यूज करी जाती हैं। यदि हम तीनों मोडेलिटीज का प्रॉपर तरह से यूटिलाइजेशन करें तो इस डिजीज को बड़ी आसानी से कंट्रोल में पाया जा सकता है और लगभग सभी मरीजों में विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर ये डिजीज कंप्लीटली क्योर हो जाती है। जिन मरीजों में बिल्कुल भी आराम नहीं आता उसमें हम कभी कभी लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस वाले सबसे टेंडर पॉइंट पे स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हाथ में दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है। यदि मेडिसिन और स्टेरॉइड की कामयाबी की बात करें तो लगभग 99% मरीजों में इन दोनों मोडेलिटीज से आराम हो जाता है। 1% वो मरीज होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके से कोई आराम नहीं आ रहा होता और उन मरीजों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। पर इस पर्टिकुलर वीडियोज में मैं सर्जरी की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। पर यदि किसी व्यक्ति को टेनिस एल्बो है और उसको किसी भी तरीके से आराम नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट टू मीट हिज ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डिस्कस अबाउट द सर्जिकल मोडेलिटीज। एनीवेज, आई फील कि यदि हम सही दिशा में इस बीमारी का इलाज करें, सही डू एंड डोंट्स को यूज करें, तो हम इस बीमारी पर बड़ा अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। हैव ए हैप्पी एंड हेल्थी डे। थैंक यू।